एक छोटा सा वाक्य हुआ। मैं मेरे ख्याल में उस वक्त चौथी जमात में पढ़ता था और ये उस दौर की बात है जब हमारे घर में 100 रुपये का नोट नहीं होता था। सबसे बड़ा नोट जो मैंने अपने घर में देखा वो 10 रुपये का था, वरना वो चांदी का रुपया होता था, उसमें 16 आने होते थे और आने में 4 पैसे होते थे और 4 पैसों में दमड़ियाँ भी होती थी। तो मुझे एक आना पॉकेट मनी मिलती थी सुबह। तो उस दौर में एक आदमी का हम जिक्र सुनते थे, अमीन सानी, सानी उसका नाम था और हिंदू था। सालम इंटरचेंज आपने सुना होगा, वहाँ मौजा सालम है, वो सालम का रहने वाला था, हमारे गांव से 3 मील का फासला है वो। तो उसके बारे में मशहूर था कि वो लखपति है। अब मुझे बड़ा शौक था कि मैं देखूं कि लखपति लोग कैसे होते हैं। वो जनाब मैं एक दिन चोरी घर से निकल के वो पैलियों से होते सालम पहुँच गया और मैंने वहाँ से पूछा कि भाई मैंने अमीन सानी साहब से मिल रहे वो जो लखपति है। तो वहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए थे, वो हुक्का वगैरह पी रहे थे। उन्होंने कहा जी उसको तो मरे हुए 3 साल हो गए, 3 महीने हो गए। मैंने कहा जी मुझे उसका घर दिखा दें। खैर उसका घर देखा, बहुत बड़ी हवेली, शानदार, उनके बच्चों को देखा। बात वही थी, वही 2 हाथ थे, वो 1 सार था, 2 टांगे थी, कोई बात ऐसी नहीं थी। तो मुझे लगा कि आदमी तो ये हमारे जैसी हैं लेकिन इनमें कोई तब्दीली नहीं। लेकिन बहरहाल मैं वापस आया, हमारे एक चाचा थे थोड़े पढ़े लिखे थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चाचा वो अमीन सानी मर गया, अखबार में तो आई नहीं, कहीं शोर तो मचे ही नहीं। तो कह लगे पुत्र अखबार च उन्हों का नाँ आंदा है जिन्होंने नस्लों को मुतासर किया होगा। ये जुमला मुझे अभी तक याद है। वो इस किस्म के लखपति बड़े लोग हैं, मर जाते हैं ये कोई, वो कोई लियाकत अली खान थोड़ा जिसने पाकिस्तान बनाया। उस रोज़ दिल में एक ही जज्बे ने जन्म लिया कि या अल्लाह जब मैं मरूं तो मुझे इतना मशहूर कर देना कि अखबार में खबर आ जाए कि ये आदमी आज दुनिया में नहीं है।